What's up everyone, this is me Satyash Sharma and in this video I have brought one of my friend Mr. Akhand Pratap Singh to discuss about his social enterprise. He is one of my batchmates at IIT Jammu in Electrical Engineering branch and in JEE Mains his rank was 25,000 and in JEE Advanced his rank was around 8,700. So Akhand, can you please brief us about your academy? Hello everyone, this is Akhand Pratap Singh from STEM Academy. As Satyash told you about us, we are a social enterprise that aims to provide good quality and inclusive education to the students of classes 8 to 12 plus for their school curriculum as well as different competitive exams that you participate in. It's a venture by me and some of my friends from different institutes of national importance like IITs and NITs. Our main aim is to provide good quality education at the most minimum price possible. So next thing that I would like to ask you is, what is your motivation behind this particular academy and why do you feel that starting this particular academy at this time would be beneficial? Well, about motivation behind this academy is quite personal for me. When I was in class 9th, I joined a foundation program from a very respected coaching institute. So while I was leaving my school, there was this friend of mine. Well, I was the topper of my school, but if I have to compare him to someone, I would compare him to Rancho, because he was very much interested in physics, chemistry and maths, and he was very good at practicals and exhibitions in doing experiments with science. He was very good at that. But while I was moving away, well, I asked him, why don't you, enter too? या तुम भी क्यों नहीं ज्वाइन करते, क्योंकि यू नीड एन अर्ली प्रिपरेशन फॉर गेटिंग इन टू आई आई टीज और एनी टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. तो उसका जो रिप्लाई था वो, दिस इज ऑलवेज इन माई माइंड, बिकॉज ही सेड, चाहते तो हैं बट इतना पैसा ही नहीं है. सो दैट थिंग इज ऑलवेज इन माई माइंड कि इफ आई एम एबल टू, वेल आई विल हेल्प एनी वन विद दैट, बिकॉज आई बिलीव कि अगर उसको राइट मोटिवेशन और राइट गाइडेंस एंड कोर्स मटेरियल उसको मिले होते हैं, सो वेल इट हर्ट्स टू से, बट मे बी ही वुड हैव परफॉर्म्ड अ लॉट बेटर देन मी. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर अवर एकेडमी इज दैट अ लार्ज स्ट्रेटम ऑफ सोसाइटी, ड्यू टू वेदर रिलीजियस रीजन और सोशल और जेंडर बेस्ड, और ऑल्सो कि उनके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हो, जो भी रीजन है उनमें से, वो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करना चाहते. हर रोज एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना उनके लिए फीजबल नहीं होता या फिर पॉसिबल नहीं होता, वो नहीं जाना चाहते हैं. बट उनको अगर ऐसी ऑनलाइन गुड क्वालिटी एजुकेशन मिल रही हो तो काफी उनको हेल्प होती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सारे छोटे छोटे चाहे वो क्या कहते हैं सिटीज हों और जो भी हो, यहाँ से मूव करते हैं बच्चे हब्स की तरफ. हब्स जैसे कोटा हो गया या फिर ओल्ड राय नगर एंड जो भी है सब, बस प्रिपरेशन के लिए, ताकि जैसे आईआईटीज की अगर बात हो तो कोटा जाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां पे उनको आईआईटी टीचर्स मिलते हैं, बट उनको मंथ्स लग जाते हैं वहां पे अडॉप्ट करने में. केवल चाहे सिंपल बात है कि एक 16 17 18 साल का बच्चा 300 किलोमीटर दूर जाकर के अगर पढ़ने जा रहा है, सो इट्स हार्ड फॉर हिम. सो इन सब कंडीशंस को ध्यान देते हुए हमने इस एक एंटरप्राइज शुरू की, एक वेंचर शुरू किया, ताकि हर बच्चे की हेल्प हो पाए, ताकि जो प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं ये आप ना फेस कर पाए. As you asked, why now? Now is the best time to do this because a lot of achievement has been done by the government in achieving digital penetration. Almost internet आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगा, एटलीस्ट ठीक ठाक स्पीड पे तो मिलेगा ही. Then comes due to pandemic. जो भी हमारी पेंडेमिक चल रही है, उस वजह से काफी ज्यादा ट्रस्ट एंड यूजफुलनेस ऑनलाइन एजुकेशन की बढ़ चुकी है. ऑलमोस्ट हर बच्चा कुछ ना कुछ ऑनलाइन पढ़ ही रहा है. ऑल्सो आज के स्टूडेंट्स हैं वो काफी मोर सिंसियर हैं पहले से, कि उन्हें पता है कि अर्ली स्टार्ट कितना जरूरी है, उनको कॉम्पिटिशन के बारे में रियलाइज होता है. सो दैट्स व्हाई आई गेस दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू दिस. द थर्ड थिंग दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू इज दैट व्हाट डू यू फील दैट यू हैव unique in your particular academy, because there are already many academies on in both online as well as online platforms. So what do you feel unique and what is the difference between your and others academy and what is your vision in future? So how are we different?
एक्चुअली सी आईआईटी टीचर्स आपको इंडिया में हर जगह मिल जाते हैं, हर जो भी बिग सिटीज है वहाँ पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपको आईआईटी टीचर्स मिल जाते हैं। बट आवर टीचर्स आर डिफरेंट बिकॉज हमारे जो भी टीचर्स हैं वो सब लास्ट 5 ईयर्स में क्वालिफाइड है इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो फिर जेई हो, नीट हो, या फिर केक्यूआई हो, एनटीएससी हो, इन सबको क्वालिफाई करके आ रहे हैं लास्ट 5 ईयर्स में। सो उनके पास एक्सपीरियंस है कि हाउ टू अप्रोच, यू नो वो इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करके आए, जो प्रॉब्लम्स आज आप फेस करोगे, हाउ टू थिंक, हाउ टू यू नो कैसे एनालिटिकल थिंकिंग चाहती है जे एडवांस या फिर जे मेन्स को क्वालिफाई करने में, इन सब चीजों में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट थिंग इज अगर तुम कंपेयर करो आज के जे एडवांस के पेपर को आज से 10 साल पहले के जे एडवांस के पेपर से, सो दैट इज देयर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। शायद आप अभी की जो आप कम भी पढ़े होगे उससे आप जे एडवांस का आज से 10 साल पहले के पेपर सॉल्व कर पाओ, लेकिन आज का पेपर सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। सो जो बच्चे आज क्वालिफाई किए हैं वो आपको फार बेटर गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं रेदर देन अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड द सेम एग्जाम इन आई डोंट नो 1990s और 2000। एंड सो इट्स अ साइकिल बिटवीन यू नो एस्पायरर्स एंड अचीवर्स, जिन्होंने अचीव किया है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके गोल को अचीव करने में। अनदर थिंग इज बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको पेड प्रोग्राम्स देते हैं, उनका नाम कुछ भी वो डाल देते हैं, प्लस डाल देते हैं या फिर आइकॉनिक डाल देते हैं, फिर भी उसके बाद भी उनकी एक क्लास में 1,000 बच्चे होते हैं जो उनके बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उनकी एक क्लास में 1,000 से कुछ कुछ 10,000 बच्चे होते हैं जो कि अचीव जो कि अटेंड करते हैं। तो यू नो यू कैन अंडरस्टैंड कि टीचर के लिए भी क्वेश्चंस आंसर करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि आप वो सारे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर सकता तब। और बस इस नाम पे कि आपके पास बैच ज्वाइन करने की फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे अभी आपको बैच ज्वाइन करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लाइक हमारे एक ऐसा प्रोग्राम है इफ यू ज्वाइन अस फॉर 9th यू कैन स्टडी 9th एंड 10th बोथ इफ यू आर एबल टू यू नो डू दैट। अगर आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको 9th 10th दोनों पढ़ने के लिए हेल्प करेंगे, आप अपने और अपनी क्लास से +1 पढ़ सकते हैं। बट दैट मेक सेंस, एक 9th का बच्चा अगर 11th या 12th को ज्वाइन करता है दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। दैट इज ऑल्सो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अस। और यहाँ पे जो भी आपको टीचर्स हैं ये सब उन एग्जाम्स को क्वालिफाई किए हैं, ना कि जो उनको फेल किया है वो भी आकर के ये पढ़ाने लग रहा है, चाहे वो NITs से हो हमारे टीचर्स या फिर IITs से हो या फिर AIIMS से हो। And I would like you to share the process of how to actually enroll in your course after going to your website. Hello everyone, this is Akram Tap Singh from STEM Academy. I'm here to tell you how to register or enroll with STEM Academy for our various programs that we offer for different classes. So first of all, you need to visit our site, that is www.stemacademy.tk. So this is the site for STEM Academy, Learn, Educate and Grow. So you can find here two numbers which you can message or call to register / enroll with us, but they are also links. So here comes enroll today link and book now. Once you click on these, it will open a Google form. You come up to this Google form and here you can see you have to fill your email, then your name, your city, your phone number and the program that you are a part of, and a referral code. If you have a referral code, the thing is that once you type a referral code, you get 10% more discount on your fees. Once you submit this, and congratulations, you are enrolled in STEM Academy. But there is also links for registering, and I will tell you what's the difference between both. Here you come up to these links. Let's say you are in class 8th and you wanna register with us. You go up to that link and click here. This is this new website that opens. All you have to do is go to add to cart, then view cart. And let's say you want to just enroll with us for 1 month. I already have this 10th and 8th. You can go up, let's say 2 months for 10th. You have some of your friend who wants to enroll together. And 1 month for 8th. Proceed to checkout. Once you click on proceed to checkout, this is the checkout window that opens. Then you have to fill the billing details. Let's say first name, last name, country, street address, state,
city or town, phone number, pin code and email address. Then all you have to do is proceed to payment. This is the QR window that opens and this is the amount to be paid. You can either scan this QR code with any UPI app like Bheem, Paytm, Google Pay or any other that you can think of. So this is how you register with us. So I guess it's pretty apparent that what's the difference between registering and enrolling. But let me tell you this. See. The difference was basic. Actually, once you register with us, all you have to do is you have to pay these fees. And if you enroll with us, then you don't pay any fee until unless the classes start. Once the classes start, you have to pay the fee according to that time. Let's say it is 900 for now, and then again it goes to 1000 or 800 or whatever it is that day. Then you would have to pay for that day, whatever the fees that fees is at that present scenario. Then comes the scholarship. We have actually two provisions for scholarship. First is performance and tests. So aapko har mahine aapke tests liye jayenge, aur agar aap usme acha perform karte hain to aapko next month ki fee कंप्लीटली फ्री हो जाएगी. आपको एक भी रुपए नहीं देना है नेक्स्ट मंथ इफ यू स्कोर गुड. एंड नॉट ओनली वन पर्सन विल गेट इट, मैनी पीपल विल गेट इट. एंड सेकेंड इज लोकेशन बेस्ड. सो डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन यू ऑल्सो गेट सम स्कॉलरशिप. सो दीज बट दीज वट प्राइजेस यू विल सी हियर आर द मैक्सिमम प्राइजेस फॉर मंथ. इन सब में आपको ऑफर होता है अगर आप अच्छा पढ़ते हो और आपके लोकेशन कहाँ है, आप कहाँ से हो, उस पर डिपेंड करती चीजें. So that's all from my side, and I hope you all enroll and register with us. Thank you. Last but not the least, since my channel is generally followed by JEE aspirants, so a small message from your side, as we have also cracked JEE Mains and JEE Advanced 2022 for JEE 2022 aspirants. So my message to 2022 aspirants would be like, अब तो टाइम तो बहुत कम बचा है. सो यू हैव टू फोकस ऑन रिवीजन. और बस ये याद रखना कि तुमको 100% कोर्स नहीं करके आना है, तुमको बस जितना आता है उतना तुमको कंप्लीट आना चाहिए. एंड इफ यू नो दैट यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड. बेस्ट ऑफ लक. एंड आई गेस सत्याश आप लोग को काफी अच्छी टिप्स देता रहता है अपने चैनल पे. सो फॉलो इट.